अब देखो नॉइस की स्मार्ट वॉच लूं, बोट की स्मार्ट वॉच लेनी चाहिए या फिर फायरबोल्ट की। लेकिन देखा जाए तो 5000 के अंदर हमें सैमसंग की भी स्मार्ट वॉच मिल जाती है, किसी में स्टेनलेस स्टील के स्ट्रैप्स मिल रहे हैं, कोई सिलिकॉन के स्ट्रैप के साथ आ रही है, किसी में सारे हेल्थ सेंसर्स हैं, तो किसी के अंदर एक दो सेंसर्स भी नहीं मिलते। मुझे पता यार कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है। एंड रिसेंटली बहुत सी नई स्मार्ट वॉचेस भी लॉन्च हुई हैं एंड घड़ियों में जनाब आपको 100 से भी ज्यादा स्पोर्ट्स मोड्स मिलते हैं। तो आज आपने सिर्फ दो चीजें करनी है जिसमें से एक ऑलरेडी आप कर चुके हो, वीडियो आपने शुरू कर लिया है। एंड दूसरी चीज है कि आपने इस वीडियो को लास्ट तक पूरे ध्यान से देखना है, जैसी वीडियो खत्म होगी वैसे आपकी सारी कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी। तो मैं आपको आज 6 वॉचेस बताऊंगा एंड इन सारी वॉचेस में आपको हर एक हेल्थ सेंसर मिलता है। 24/7 हार्ट रेट मॉनिटरिंग, SpO2 मॉनिटरिंग होगी, स्लीप स्ट्रेस एंड स्टेप्स के बाद ही ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, ऐसे सारे फीचर्स मिलते हैं एंड हर एक स्मार्ट वॉच आपको ब्लूटूथ कॉलिंग के साथ मिल जाती है। तो बिना किसी देर के अपनी वीडियो के जो सबसे पहली स्मार्ट वॉच है वो है फायरबोल्ट की 4G प्रो। ये स्मार्ट वॉच अभी कुछ ही दिन पहले लॉन्च हुई है एंड जैसे ये लॉन्च हुई है ना इसने धमाल मचा रखा है, तब से कुछ ही देर के अंदर वन ऑफ द हाईएस्ट सेलिंग स्मार्ट वॉचेस में इसका नाम है। सिर्फ 3000 के अंदर आपको स्मार्ट वॉच मिल जाती है। अरे भाई सबसे पहले स्मार्ट वॉच में आपको वो बता रहा हूँ जिसके अंदर आप 4G सिम भी डाल सकते हो, सारे फोन वाले काम हो जाते हैं इसके ऊपर। दिखने में भी एकदम प्यारी लगती है स्मार्ट वॉच। रेक्टेंगल शेप के अंदर हमें स्मार्ट वॉच मिल जाती है, सिम इजेक्टर ट्रे दे रखी है, तो आप इसके अंदर फिजिकल सिम भी डाल सकते हो, दो मल्टीफंक्शन बटन्स मिल जाएंगे एंड इसका जो बॉडी मटेरियल है वो मेटल का है एंड साथ में सिलिकॉन के स्ट्रैप्स। देखो जो भी स्मार्ट वॉच आपको मेटल की बॉडी के साथ मिलती है ना उसकी बिल्ड क्वालिटी काफी बढ़िया हो जाती है एंड इसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैं आपको हर एक स्मार्ट वॉच मेटल बॉडी वाले बताऊंगा। इस बात पे देखो लाइक करना तो बनता है फिर। एंड एक और बढ़िया चीज है कि इसके अंदर हमें बिल्ट इन GPS भी मिल जाता है। 500 nits की ब्राइटनेस वाली डिस्प्ले दे रखी है, 2.02 इंचेस की TFT रेस टू वेक फीचर को सपोर्ट करती है अपनी डिस्प्ले, 240x296 पिक्सल्स एंड इसके अंदर हमें 400 mAh की बैटरी कैपेसिटी मिल जाती है। अब इस चीज का हमने यहाँ पे ध्यान रखना है कि इसका जो बैटरी बैकअप है ना वो बाकी स्मार्ट वॉचेस के कंपैरिजन में थोड़ा कम है। हैवी यूजेज पे 2 दिन का बैटरी बैकअप मिलेगा, नॉर्मल यूजेज पे 3 से 4 दिन का। बाकी सभी स्मार्ट वॉचेस के अंदर ना आपको 5 से 7 दिन का बैटरी बैकअप इजिली मिल जाता है नॉर्मल यूजेज पे। वैसे ब्लूटूथ कॉलिंग वाली स्मार्ट वॉच है, मल्टीपल स्पोर्ट्स मोड्स को सपोर्ट करती है, मल्टीपल वॉच फेसेस दे रखे हैं स्मार्ट वॉच में, इनबिल्ट कैलकुलेटर हो गया, कैलेंडर हो गया, वेदर इन्फॉर्मेशन एंड पासवर्ड प्रोटेक्शन वाली स्मार्ट वॉच है। बिना पासवर्ड को फिल किए आपकी स्मार्ट वॉच को कोई भी अपडेट नहीं कर पाएगा। देखा जाए तो यार बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है ये, स्पेशली उन वॉचेस के लिए जिसके अंदर अपना सिम डलता है। इस घड़ी के अंदर मुझे एक नेगेटिव पॉइंट लगा कि इसके अंदर हमें एमोलेड डिस्प्ले नहीं मिलती, शायद इसी वजह से इसका प्राइस भी थोड़ा कम है, क्योंकि सिर्फ 3000 के अंदर आपको ऐसी वॉच मिल रही है जिसे आप सिम डाल के भी यूज कर सकते हो। अच्छी स्मार्ट वॉच, आप इसे जरूर कंसीडर करो। बेस्ट बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आपको बताता हूं नॉइस की स्मार्ट वॉच, नॉइस हेलो प्लस एलीट एडिशन, वन ऑफ द हाईएस्ट सेलिंग स्मार्ट वॉच है। देखो राउंड शेप के अंदर हमें स्मार्ट वॉच मिल जाती है एंड इतनी बढ़िया लगती है ना दिखने के अंदर, और ये भी अपनी स्मार्ट वॉच हाईएस्ट सेलिंग है एंड राउंड शेप के अंदर ना किंग स्मार्ट वॉच है इस बजट की है। इसका जो करंट प्राइस है देखो वो 3000 से लेके 3500 के बीच में सेल होता है, एवरेज मान के चलो 30-50 रुपीस के अंदर आपको स्मार्ट वॉच इजीली मिल जाएगी। दो मल्टीफंक्शन बटन्स मिल जाते हैं हमें इसके अंदर भी, मेटल बिल्ड है विद ग्लॉसी फिनिश। ग्लॉसी फिनिश होने की वजह से ना इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो कभी कभी मेटल की नहीं लगती दिखने में, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, मेटल की स्मार्ट वॉच है ये भी। स्टेनलेस स्टील के स्ट्रैप्स मिल जाते हैं, 550 nits की ब्राइटनेस एंड 1.46 इंचेस की सुपर एमोलेड डिस्प्ले, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले रेस टू वेक फीचर को भी सपोर्ट करती है। सुपर एमोलेड डिस्प्ले है तो डिस्प्ले जो इसकी क्वालिटी है ना उसके अंदर आपको कोई दिक्कत नहीं मिलने वाली। 300 mAh की बैटरी कैपेसिटी मिल जाती है, ब्लूटूथ कॉलिंग ऑन करने पे आपको 2 दिन का बैटरी बैकअप मिलेगा एंड 5 दिन का बैटरी बैकअप मिलेगा नॉर्मल यूजेज पे एंड सिर्फ 2 घंटे के अंदर अपनी स्मार्ट वॉच फुल चार्ज हो जाती है। मल्टीपल स्पोर्ट्स मोड्स को अपनी स्मार्ट वॉच सपोर्ट करती है, 150 से भी ज्यादा वॉच फेसेस मिल जाते हैं एंड साथ में कैलकुलेटर भी दिया गया। अच्छी स्मार्ट वॉच है, आप इसे जरूर कंसीडर करो। आगे बढ़ते हैं टाइटन स्मार्ट 3, काफी बढ़िया स्मार्ट वॉच है, एकदम ही फ्लैगशिप फीचर्स मिल जाते हैं इसके अंदर और ये टाइटन की स्मार्ट वॉच है। टाइटन की जो ब्रांड वैल्यू है ना हम सभी को पता है उसके बारे में, ऑल टाइम बेस्ट वॉचेस होती है इसकी। 5000 rupees का करंट प्राइस है, रेक्टेंगल शेप के अंदर हमें स्मार्ट वॉच मिल जाती है, क्राउन बटन दिया गया साइड पे, मेटल की बॉडी के साथ ही सिलिकॉन के स्ट्रैप्स एंड इसके अंदर हमें जो डिस्प्ले साइज मिलता है वो मिलता है 1.96 इंचेस का। सुपर एमोलेड डिस्प्ले, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को भी सपोर्ट करती है, ये चीज होनी चाहिए क्योंकि हम 5000 rupees लगा रहे हैं ऑब्वियसली एंड रेस टू वेक फीचर का भी सपोर्ट दिया गया। 410x502 पिक्सल्स, 280 mAh की बैटरी कैपेसिटी मिल जाती है, 7 दिन का बैटरी बैकअप मिलेगा आपको अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल यूजेज पे, 110 से भी ज्यादा स्पोर्ट्स मोड है, 200 से भी ज्यादा वॉच फेसेस मिल जाती है, AI वॉइस असिस्टेंट को भी अपनी स्मार्ट वॉच सपोर्ट करती है, इनबिल्ट गेम्स भी दे रखी है इसके अंदर। देखो इस घड़ी के बारे में आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जो भी आपको इस पीरियड की स्मार्ट वॉच के अंदर मैक्सिमम मिल सकता है ना फीचर्स के सिनेरियो में वो आपको हर एक चीज इस स्मार्ट वॉच के अंदर दे रखी है, बिल्कुल निश्चिंत हो कि आप इस स्मार्ट वॉच को बाय करो। आगे बढ़ते हैं सैमसंग गैलेक्सी फिट 3 फिटनेस बैंड विद टाइप सी मैग्नेटिक चार्जर ओनली फॉर एंड्रॉइड यूजर्स। अब इसे ना थोड़ा ध्यान से समझना, एक्चुअली ये सैमसंग का सबसे बजट वाला वियरेबल डिवाइस है। एक दो इंपॉर्टेंट चीजें इसे बाय करने से पहले जो कि आपको पता होनी चाहिए, नॉर्मली आपको 5000 के अंदर मिल जाती है, नॉर्मल सेलिंग प्राइस इसका 5000 rupees है, रेक्टेंगल शेप के अंदर मिलती है, एक पुश बटन दिया गया साइड पे, मेटल की बॉडी, सिलिकॉन के स्ट्रैप, ऑटो ब्राइटनेस दे रखी है इसके अंदर। अब देखो इसके निट्स कितने हैं वो चीज नहीं पता चली, बट ऑटो ब्राइटनेस वाली स्मार्ट वॉच है, इंडोर एंड आउटडोर ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेती है एंड ब्राइटनेस अच्छी है। 1.57 इंचेस की एमोलेड डिस्प्ले मिल जाती है, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है, 60 Hz का रिफ्रेश रेट दिया गया, टैप टू वेक एंड रेस टू वेक फीचर इन दोनों को सपोर्ट करती है, 208 mAh की बैटरी कैपेसिटी मिल जाती है। अब जैसे ये स्मार्ट वॉच है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वाली, अगर आप इस फीचर को ऑन करके रखते हो ना, यानी कि अपनी
कंपनी जो वॉच है वो हमेशा ऑन रहेगी उसकी डिस्प्ले। फिर इसका जो बैटरी बैकअप है वो आपको मिलेगा 3 से 4 दिन का। एंड अगर आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को ऑफ कर देते हो फिर ये स्मार्ट वॉच अपनी 13 दिन तक चलती है, विच इज मैक्सिमम बैटरी लाइफ एज कम्पेयर टू ऑल दी अदर वॉचेस ऑफ दिस बजट। इसके अंदर में ब्लूटूथ कॉलिंग का फीचर नहीं मिलता, ओनली रिजेक्ट कर सकते हैं आप अपनी कॉल्स को। 5 ATM के साथ ही IP68 रेटिंग एंड इसके अंदर में 100 से भी ज्यादा स्पोर्ट्स मोड्स मिल जाती है, 100 से भी ज्यादा वॉच फेसेस, कैलकुलेटर, वेदर एंड कैलेंडर, ये सारे फीचर्स मिल जाती है। एंड इसके अंदर में वाटर लॉक फीचर दिया गया है। देखो अक्सर स्मार्ट वॉचेस के अंदर ये चीज होती है कि जब भी कोई भी वाटर की ड्रॉप गिर जाती है या फिर अपनी स्वेट की ड्रॉप गिर जाती है ना वर्कआउट के टाइम पे, स्मार्ट वॉच अपनी चलेगी नहीं इससे, फिर नहीं तो स्मार्ट वॉचेस चल जाती है थोड़ी बहुत। एंड इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी है, वो चीज भी समझ लो। इसके अंदर में ब्लूटूथ कॉलिंग का फीचर नहीं मिलता, वो चीज नेगेटिव है। एंड दूसरी चीज के ये iOS के साथ नहीं चलती एंड ना ही इसके अंदर GPS दिया गया। अब आप ये चीज सोच रहे हो कि भाई इसके अंदर मिलता क्या जो आप मुझे रेकमेंड कर रहे हो। भाई देखो सीधी सी बात है, सैमसंग लवर्स के लिए वन ऑफ दी बेस्ट स्मार्ट वॉच रहेगी एंड ऑल्सो वन ऑफ दी हाईएस्ट सेलिंग स्मार्ट वॉच है एक्चुअली, ये कंसीडर करना बनता है इसे। नेक्स्ट इज ऑनर चॉइस, लेटेस्ट स्मार्ट वॉच इस बजट की न्यू है। इसकी जो लुक है ना वो टिपिकल स्मार्ट वॉच लुक है। करंट प्राइस इसका 6500 रुपीज है, लेकिन इसका जो लोएस्ट सेलिंग प्राइस रहा है वो रहा है 5000 रुपए। एंड अगर आप इसे थोड़े बहुत डिस्काउंट के अंदर भी बाय करते हो ना, आपको 5000 के अंदर ये स्मार्ट वॉच इजिली मिल जाएगी। रेक्टेंगल शेप के अंदर में स्मार्ट वॉच मिल जाती है, सिंगल बटन दिया गया राइट साइड पे, मेटल की बॉडी, सिलिकॉन के स्ट्रैप्स एंड इसके अंदर में बिल्ट इन GPS भी दिया गया, ये भी काफी चीज बढ़िया है। फिर 60Hz का रिफ्रेश रेट दिया गया, स्मूथ है इसके डिस्प्ले, 550 Hz की ब्राइटनेस, 1.95 inches की AMOLED ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मिल जाती है, 300mAh की बैटरी कैपेसिटी मिल जाती है। एंड इसका भी जो बैटरी बैकअप है ना वो एकदम ही शानदार है। देखो नॉर्मल यूजेज के ऊपर ये स्मार्ट वॉच अपनी 12 दिन तक चल जाती है, मजे वाली बात है ये। एंड अगर आप इसे हैवी यूज करते हो फिर भी इसका जो बैटरी बैकअप है वो 9 दिन का दिया गया है। देखो सिंपल चीज आपको बताता हूँ, अगर आप मेरी तरह स्मार्ट वॉचेस को बारी बारी चार्ज करने में दिक्कत समझते हो ना, ये स्मार्ट वॉच अपने लिए बनी हुई है, जरूर कंसिडर करो। 120 से भी ज्यादा हमें इसके अंदर स्पोर्ट्स मोड्स मिल जाते हैं और तो इसके अंदर में स्विमिंग का भी डेडिकेटेड मोड दिया गया, मल्टीपल वॉच फेसेस को सपोर्ट करती है, रेस्टो एक फीचर हो गया, वेदर फॉरकास्टिंग, इनबिल्ट कैलकुलेटर एंड कंपास वगैरह, ये सब कुछ अपनी वॉच के अंदर दिया गया। एंड इसके जो बिल्ट इन वॉच फेसेस हैं वो दे रखे हैं 8। अच्छी स्मार्ट वॉच है, जरूर कंसिडर करो। देखो स्मार्ट वॉचेस की बात हो रही है, नॉइस की बात ना करें ऐसा हो नहीं सकता। वैसे नॉइस कलरफिट प्रो 5 मैक्स नॉइस की बेस्ट स्मार्ट वॉच है इस बजट की। रेक्टेंगल शेप के अंदर में स्मार्ट वॉच मिल जाती है, क्राउन बटन दिया गया, इसकी भी जो लुक है वो टिपिकली स्मार्ट वॉच लुक है। 4500 रुपीज के अंदर हमें स्मार्ट वॉच मिल जाती है, मेटल की बॉडी के साथ ही सिलिकॉन के स्ट्रैप्स, 600 Hz की ब्राइटनेस वाली हमें इसके अंदर डिस्प्ले दे रखी है, 60Hz का रिफ्रेश रेट है इसकी डिस्प्ले का, 1.96 inches की AMOLED ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, 410x502 pixels डिस्प्ले अच्छी है इसकी, 7 दिन का बैटरी बैकअप नॉर्मल यूजेज पे, 2 दिन का ब्लूटूथ कॉलिंग ऑन करने पे, एंड आफ्टर दैट 100 से भी ज्यादा स्पोर्ट्स मोड्स मिल जाते हैं। एंड ये अपनी जो स्मार्ट वॉच है ना ये ऑटो स्पोर्ट्स डिटेक्शन को भी सपोर्ट करती है, तो ये भी चीज बढ़िया है। पुश बटन दिया गया डेडिकेटेड फॉर स्पोर्ट्स मोड्स, क्राउन बटन मिल जाएगा बाकी सभी चीजों के लिए, उसके बाद रेस टू एक फीचर हो गया, रियल टाइम एक वे अपडेट होगी, फाइंड माय फोन फीचर हो गया, ये सब कुछ हमें अपने स्मार्ट वॉच के अंदर मिल जाएगा, कैलकुलेटर, वेदर इन्फॉर्मेशन एंड फॉरकास्ट, ये सब कुछ। तो आप इस स्मार्ट वॉच को जरूर कंसीडर करें, इसका भी जो बेस्ट पाइलिंग का वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखो मैंने आपको सिर्फ वो वाली वॉचेस बताई हैं जो कि एक्चुअली वर्थ इट है इस टाइम पे बाय करने के लिए। आपका जो भी बजट है एंड आपको इनमें से जो भी स्मार्ट वॉच बढ़िया लगती है ना उसे आप जाके बाय कर लो, सभी की सभी स्मार्ट वॉचेस बहुत ही अच्छी हैं एंड सभी के लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगला टॉपिक मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ यार, किस टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, पीस आउट।